अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं, बंदा नाचीज गुलाम रसूल। एक तारीखी शहर है हमारा अब्दुल हकीम, वहाँ के एक बेहतरीन बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम के नाम से है, उनका दरबार भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो चलें जी, हमारा सफ़र शुरू होता है, कुछ क्लिक्स रास्ते की वो भी आपको दिखाएंगे। चलें जी, स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। जी, जिस तरह मैं आपको मैंने बताया है कि मैं हम अब्दुल हकीम जा रहे हैं, तो ये कुछ रास्ते के मनाजिर हैं। अब्दुल हकीम शहर जो है वो तुलंबा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और रावी रिवर से 3 किलोमीटर दूर, जबकि बात करें मियाँ चनू से तो तकरीबन 28 किलोमीटर वो दूर है। रास्ते में रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है और लेफ़्ट राइट साइड पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा सब्ज़ा है, मकई की काश्त हुई है, फसल तैयार है, दरख्त हैं, ग्रीनरी है, मौसम भी अक्टूबर का है, बेहतरीन खुशनुमा मौसम है। रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस वजह से साइड पे पत्थर और बजरी वगैरह पड़ी है, जबकि सब्ज़ा एक बेहतरीन मंज़र पेश कर रहा है, एक बेहतरीन एडवेंचर होने जा रहा है ये। अब हम तकरीबन मियाँ चनू से 10 किलोमीटर के फासले पर पहुँच चुके हैं और वहाँ भी अभी तक स्टिल सब्ज़ा मौजूद है, मकई की फसल बिल्कुल तैयार है और लोग सुबह के वक्त लोग अपने रिज्क और रोज़ी के लिए नौकरियों पे जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग आ रहे हैं सिटी में, कुछ लोग सिटी से बाहर जा रहे हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ देखिए, लोग बकरियों के रेवड़ लेके आ रहे हैं, रेवड़ के रेवड़। अच्छा, तो नाज़रीन मैं अब्दुल हकीम सिटी में पहुँच चुका हूँ, बस मैं सिटी में इंटर होने ही वाला हूँ। तो सिटी के इंटर होने से पहले राइट साइड पे फ़ौजी छावनी है, एक सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम है। आप इस सिटी के इंटर होने से अंदाज़ा लगा कि कितना रश है, कैसे लोगों के कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम है। ये मेन चौक है, मिलाद चौक जिसे कहते हैं, और यहाँ मेन अड्डा भी है जहाँ से आप एक शहर से दूसरे शहरों में जा सकते हैं। राइट साइड पर जो रोड है ये जंग पीर महल वाली साइड पर, लेफ़्ट साइड खानेवाल वाली साइड पे जा रहा है। ये मेन मुल्तान रोड है, यहाँ मेन मार्केट है और इस मार्केट में आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स, मेडिसन्स के स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज हैं, फलों की दुकानें हैं, खाने के बेहतरीन स्टॉल्स हैं और पेस्टिसाइड्स की बेहतरीन शॉप्स हैं। यहाँ चूँकि लोगों का ज़्यादातर जो कारोबार है या ज़रे मुआशा वो ज़रात से वाबस्ता है, तो पेस्टिसाइड्स का बेहतरीन काम है, एक फर्टाइल एरिया है और लोगों का रोज़गार का यहाँ बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, यहाँ एक बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ एक स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन अब्दुल हकीम के नाम से। ये अब हम उसका फाटक क्रॉस कर रहे हैं। खैर, इस वक्त कोई ट्रेन के आने जाने का टाइम नहीं है, नहीं तो हमें यहाँ वेट करना पड़ता। अच्छा, तो फर्दर हम आगे मूव कर रहे हैं, फाटक हमने क्रॉस कर लिया है। एक ये जो गाड़ी है, रश की वजह से इसने मुझे रास्ता नहीं दिया, वहाँ रोड सिंगल है, एक ही मेन रोड है बाज़ार का, इसने मुझे रास्ता नहीं दिया। खैर, हम अपनी मंजिल की तरफ हैं, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो मज़ीद हम सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। अब हमारी जो मंजिल है वो सबसे पहले सेहत आमा के यहाँ जो निज़ाम है, एमरजेंसी और हॉस्पिटल है, रूरल हेल्थ सेंटर, हम उस तरफ जाएँगे ताकि हम अपना काम। ये म्यूनसिपल कमेटी है जी, एक बेहतरीन निज़ाम है वहाँ, वासा का निज़ाम है, सफाई का, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट के वहाँ मुलाजमीन हैं, म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ। उसके साथ बेहतरीन फ़िल्टर का निज़ाम है, वाटर फिल्टर भी लगा हुआ है, जहाँ से मकामी लोग पानी पीने के लिए साफ़ सुथरा उनको फ़िल्टर मुहैया हो सकता है। राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों स्कूल्स एंड कॉलेजेस का भी निज़ाम है, मकामी लोगों के बच्चे कॉलेज और स्कूल में वहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर मैं दिखा सकूँ तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे एक प्ले ग्राउंड भी है, वॉक के लिए लोग आएँ सुबह या थोड़ा स्पोर्ट्स है। ये जी अब्दुल हकीम का रूरल हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल है यहाँ, बेहतरीन हॉस्पिटल है यहाँ, SMO यहाँ अवेलेबल होते हैं, मेडिकल टीम सारी अवेलेबल है, OPD मॉर्निंग भी हो रही है, सब्ज़ा बेहतरीन है, एक बेहतरीन मंज़र पेश कर रहा है। अब हम जा रहे हैं जी अब्दुल हकीम, जिस वजह से मशहूर है, एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम अब्दुल हकीम है और इनको सखी
सुल्तान अब्दुल हकीम भी कहते हैं। ये आप देखें कि दरबार से पहले कुछ शॉप्स हैं जिसमें बच्चों को खिलौने भी हैं और न्याज कह लें आप जिसे, या अल्लाह के नाम पे जो चीज़ तकसीम की जाती है मिठाई वगैरह वो भी है। तो इस बुज़ुर्ग की एक बेहतरीन हिस्ट्री है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम दरिया रावी के करीब इनकी रिहाइश थी, ये उनका मज़ार है और सिक्योरिटी के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे मज़ीद गाइड किया, मेरी हेल्प की। वो ये बता रहे थे कि बाबा जो अब्दुल हकीम है, बाबा के नाम से वहाँ मशहूर है पीर अब्दुल हकीम, इनकी करामत बड़ी मशहूर हैं। इनकी एक बड़ी मशहूर करामत ये है कि दिल्ली में एक बादशाह किसी दौर में उन्होंने मस्जिद बनाई और उनकी मस्जिद का जो मिंबर था वो थोड़ा टेढ़ा था मीनार। तो उस बादशाह को बताया गया कि आप पाकिस्तान में दरिया रावी के करीब एक कपड़े रंगने वाला एक बुज़ुर्ग है जिसका नाम अब्दुल हकीम है, आप उसके पास जाएं और उनको ये बात करें और वो आपका ये मीनार सीधा कर देंगे। तो वो बुज़ुर्ग अब्दुल वहाब उनका नाम है, वो पाकिस्तान आए दरिया रावी के करीब, उन्होंने बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम से ये रिक्वेस्ट की और कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। तो अब्दुल हकीम जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग अब्दुल हकीम ये कपड़े रंग रहे थे और इन्होंने ऐसे कपड़े को रंगते ही कहा कि थोड़ा सा उनको मरोड़ा और साइड पे किया और कहा कि आपका मीनार ठीक हो गया। तो वो जो वज़ीर था वो वहाँ गया और एज इट उसने देखा कि मीनार तो ठीक हो गया, तो वहाँ की जो उसने वजारत छोड़ी और यहाँ इनकी पीरी मुरीदी में आ गया और इनके पास अपना फैज़ और इल्म सीखने यहाँ आ गया। और उनका मदफन भी यहीं है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ कुछ लोग अपनी मन्नतें लाते हैं और वहाँ बांधते हैं और उसका नजराना यहाँ इस बॉक्स में डालते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं यहाँ नियाज तकसीम कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, और राइट साइड पे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, अगर मैं दिखा सकूँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं सफ़ेद कपड़ों वाली औरत बैठी है, ये अब्दुल हकीम के गद्दी नशीन हैं, उन्हीं की फैमिली में से हैं। तो ये उस नसब को आगे ले कर चल रहे हैं, इनकी जो करामात हैं वो बड़ी मशहूर हैं। और ये देखें आप, पुराना एक चबूतरा सा है, यहाँ जितना भी निज़ाम है, चादरें हैं या वो जो वो यहाँ रखा जाता है। एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है, आप देखें बेहतरीन नक्शाकारी की गई है, संग मरमर खूबसूरत बनाई गई है, एक बेहतरीन दिल को सुकून देने वाले बुज़ुर्ग हैं और एक अच्छा मंज़र है। आप ज़रूर विज़िट करें, यहाँ आएँ, काफ़ी सारे लोग अपनी मन्नतें ले कर आते हैं। हर साल जून 21, 22, 23 जून को यहाँ उर्स होता है अब्दुल हकीम में, और लोग दूर दराज से यहाँ अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और अपनी हाज़िरी दे जाते हैं। सुनने में यह आता है कि दिल्ली से एक जमात आती है, जो मैंने आपको बात बताई है कि वो दिल्ली में इन्होंने एक मस्जिद का मीनार सीधा किया था, तो वहाँ से एक पूरी जमात आती है, तो वो भी यहाँ हाज़िरी देने आती हैं। इस भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें बड़ा गाइड किया। आप देखें ये चादरें हैं जो कब्र मुबारक के ऊपर रखी जाती हैं, लोगों की एक हुब कह लें, मोहब्बत कह लें बुज़ुर्गों से, औलिया अल्लाह से। तो एक उन्होंने अपने अहाते में, अपने इर्द गिर्द अपने नाम रोशन किए हुए हैं। अब्दुल हकीम से आते हुए ये जाते हुए कह लें, एक बहुत बड़ी नहर है मेल्स लिंक के नाल, इसका जिक्र मैंने जब कच्चा हो गया था तब भी किया था, बहुत बड़ी नहर है। और ये दरिया रावी से आगे ये बहावलपुर और पाक पतन मेलसी वाले जो जितने भी लिंक के नाल हैं उनको ये सैराब कर रही है, उनसे ज़रिए ज़मीनों को। चलें जी, आज का हमारा व्लॉग इख्तिताम पज़ीर होता है।